नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में, जो कि गोलियों का कैंसर भी इसको कहते हैं, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है वो टेस्टिकुलर कैंसर के लिए जो अवेयरनेस मंथ माना जाता है। और इसका जो है एक पर्पल कलर का रिबन होता है, जिसको भी पहन के हम अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर कैसे प्रेजेंट करता है और इसका कौन सी एज में ज़्यादा होता है और किस किस तरह से इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो टेस्टिकुलर कैंसर जो है, जिसको कि कैंसर ऑफ द टेस्टिस या आम भाषा में जो हमारे फोते हैं या गोलियाँ हैं उसका जो कैंसर है, वो ज़्यादातर यंग एज में होता है। 20 से 40 साल के एज में इसका सबसे ज़्यादा जो है संभावना होने की होती है। और अगर देखा जाए तो मेल्स में ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है इस एज ग्रुप में। अब टेस्टिकुलर कैंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे, किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, तो ये एक जानने वाली बात है कि जो टेस्टिकुलर कैंसर है इसके कोई विभिन्न लक्षण नहीं होते हैं। जैसे किसी को हाइड्रोसील हुआ, अगर उसके पानी भर गया टेस्टिस में तो भी उसको ऐसा फील हो सकता है कि भाई टेस्टिस भारी हो गए हैं, या उसमें जो है संवेदनशीलता या फिर उसके अंदर जो सेंसेशन है वो कम हो गए हैं। तो ऐसे टेस्टिकुलर जो कैंसर है वो आपको एक हार्ड लंप की तरह, तो एक गांठ की तरह प्रेजेंट कर सकता है। आपके टेस्टिस में जो नॉर्मली आप फील करते हैं वो फीलिंग कम हो सकती है। तो इसके ये लक्षण होते हैं कि ये स्वेलिंग जो है ज़्यादातर पेनलेस होती है। पेनलेस मतलब इसमें दर्द नहीं होता। जिसमें दर्द होता है वो टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है, एपिडर्मिटिस हो सकता है, और कभी कभी हाइड्रोसील में कभी कभी दर्द होता है। इसके बारे में मैंने चर्चा करी है, आप ऊपर दिए हुए लिंक्स में उसको देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में क्या है कि वो इस बात से घबरा जाते हैं कि लंप हो गया हमें, तो एक एपिडिडामिस होती है जो टेस्टिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी कभी कभी लंप की तरह फील कर हो सकता है, और उससे कुछ लोग घबरा जाते हैं। स्पेशली जो यंग लोग हैं वो अगर इस तरह के वीडियोस देखते हैं उनको लगता है कि शायद मुझे टेस्टिकुलर कैंसर है। तो अगर आपको शायद लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से आपकी टेस्टिस का साइज अचानक बढ़ गया है, या पहले जो है वो उसमें हमें नॉर्मल फीलिंग होती थी लेकिन अब उसकी फीलिंग कम हो गई है, आपको लगता है कि उसमें खिंचाव है, तो आप अपने निकट जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उसको दिखाएं, उसकी जाँच कराएं। इसके अलावा अगर हम 10 से 12 साल की वर्ष में अगर ये कैंसर होता है तो उसमें जो एक टर्म होती है प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी मतलब कि जब आपकी मूछे दाढ़ी आ जाना, जब आपकी आवाज़ जो है एकदम चेंज हो जाती है, भारीपन आ जाती है, मेल वॉइस कहते हैं जिसको। तो अगर लगता है कि अचानक ही ऐसा हो गया है, एकदम जो प्यूबर्टी है वो थोड़ी जल्दी आ गई है, प्यूबर्टी आने में एक समय लगता है करीबन 2 से 3 साल, तो अगर लगता है कि तुरंत ही 1-2 महीने के अंदर ही ऐसा होने लगा कि आवाज़ चेंज हो गई है और आपको लगता है कि आपकी दाढ़ी मूछें एकदम तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो कुछ कैंसर जो होते हैं टेस्टिस के वो इस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये ऐसे में प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है, एनलार्जमेंट हो सकता है, वो भी टेस्टिकुलर कैंसर इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर टेस्टिकुलर कैंसर बढ़ जाता है कि मतलब ये हमारे टेस्टिस से बाहर आ गया है और फैल गया है, तो उसके कारण से आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपको पेट फूल सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, तो ये लक्षण है जब ये कैंसर जो है अगर टेस्टिस से बाहर आ गया। तो कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है, मतलब कि टेस्टिस उनकी जो है वो अनडिसेंडेड, मतलब कि वो पेट में ही है, पेट से नीचे जो स्क्रोटम है जहाँ के सैक जिसके अंदर टेस्टिस होता है वहाँ नहीं होता। अगर बचपन में ऐसे पेशेंट्स को फिक्स किया गया है उसके बावजूद भी उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस आम जनता से ज़्यादा हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को पीरियोडिकली फॉलोअप में रखना पड़ेगा। आप हर 5 से 6 महीने पर यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ सकती है देखने के लिए कि कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही है। टेस्टिकुलर कैंसर जो है बहुत रैपिडली ग्रोइंग कैंसर में से आता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसलिए, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये क्योंकि एग्रेसिव ट्यूमर भी है, इसके बावजूद
90% जो जनता है अगर कैंसर टेस्टिस का होता भी है तो उनको क्योर हो जाता है। तो ये इवन एडवांस स्टेज में भी इसका क्योर हो जाता है। जैसे कि क्रिकेटर हैं जिनके बारे में आप सब जानते हैं, वर्ल्ड कप में जो लास्ट उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़, और उसके बावजूद भी वो खेल भी पाए और ठीक भी हो गए और अब भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको होता भी है या पता भी चल जाता है तो भी इसमें सर्जरी करके इसके बाद रेडिएशन और कीमो से ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में कीमो रेडिएशन से पहले एक ही ध्यान चीज़ रखनी होती है कि आपको अपने सीमन को एक सीमन बैंक में क्रायो प्रिजर्व कराना पड़ता है, क्योंकि जो भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन है जो उस एरिया में लगेगी तो उससे स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं और करीबन 3 साल लग जाते हैं उसको वापस से स्पर्म को नॉर्मल होने में। तो अधिकतर जब भी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना होता है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं। और एक सीमन बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है, उसमें आपका सीमन जो है वो क्रायो प्रिजर्व हो जाता है, उसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं कई साल तक के लिए, जितना आप चाहें। तो ये है जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आपको इस तरह के कोई लक्षण हैं, तो आप अपने आप घरेलू उपचार मत करिए, आप तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आप दिल्ली में हैं, आसपास हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप राय ले सकते हैं। इसमें देखिए ऑनलाइन कंसल्टेशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें फिजिकल कंसल्टेशन होना ज़रूरी है, टेस्टिस को फिजिकली एग्जामिन करा जाएगा। आप फ़ोन पे बात करेंगे, ऑनलाइन सोचेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिजिकल अपॉइंटमेंट इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि टेस्टिकुलर पेन भी है तो उसमें फिजिकल जो है वो अपॉइंटमेंट इज़ नेसेसरी। तो आई थिंक कि आपको ये आज से काफ़ी कुछ जागरूकता हुई होगी। तो ये हमारी प्रयास रहती है छोटी छोटी कि हम लोगों को अवेयर करें, इस सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करें कि वो जानें कि भाई ये लक्षण क्या हैं, क्या बीमारी है, और अगर किसी से इसका लाभ होता है तो मुझे ये इससे बड़ी खुशी मिलती है। नमस्कार आपका।